अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस अगेन. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 47. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6 इन लास्ट वर्किंग डेज एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एज वेल. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 47. दिस इज इरीगेशन एंड टॉपिक इज इरीगेशन इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका. प्रीवियसली हमने पढ़ा था इरीगेशन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 भी था. इरीगेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फसलें उगाने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है वो सारा इरीगेशन कहलाता है. सैराब करना फसलों को, खेतों को, वो सिस्टम हमने पाकिस्तान और इंडिया में क्या था वो सारा हमने प्रीवियसली पढ़ा था. आज हम देखेंगे कि बांग्लादेश और श्रीलंका में क्या तरीक़ेकार है. बोथ ऑफ दीज कंट्रीज रिसीव हैवी रेनफॉल. ये दोनों ममालिक जो हैं यहाँ पर बेहतरीन और बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एंड अकॉर्डिंगली इरीगेशन एंड ऑब्टेनिंग वाटर आर नॉट मेजर इशू फॉर देम. और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ बारिशें बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी होती हैं, तो वहाँ पर फसलों को सैराब करने के लिए कोई नहरों का निज़ाम या दरियाओं से पानी लेने का सिस्टम जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. वहाँ पर बारिशों से ही काफ़ी हद तक पानी हासिल हो जाता है और फसलों को सैराब कर लिया जाता है. ऑन द अदर हैंड, कंट्रोलिंग फ्लड्स कैन बी अ बिग प्रॉब्लम विच कैन बी ओवरकम बाय रेजिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग द रिवर्स. इसके बजाय वहां पर इशू ये है कि इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां फ्लड, सैलाब बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और उसको कंट्रोल करना जो है बेसिकली वो ज्यादा बड़ा मसला है वहां पर. और उन्होंने उसके लिए कोशिश काफी हद तक ये की है कि दरियाओं के साथ साथ जो दरियाओं के किनारे हैं उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, दरियाओं का जो है फैलाव ज्यादा कर दिया है ताकि उसमें स्पेस ज्यादा हो जाए दरियाओं में पानी को के बहाव की, और पानी को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर जो है दरियाओं को खुला कर दिया है, उसके किनारे जो है वो बढ़ा दिए हैं ताकि वो बारिशें ज्यादा हों तो उसके अंदर स्पेस भी ज्यादा हो दरियाओं में पानी को कंट्रोल करने की. सो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर, ज़रात. अभी तक यही चीज़ थी कि हम फसलें और खेती बाड़ी जो होती है, जो ज़रात की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, उसका सिस्टम सारा हम पढ़ रहे थे. अब हम देखेंगे कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, जो ज़रात होती है, किस किस्म की फसलें उगाई जाती हैं साउथ एशियन कंट्रीज में. द पीपल ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट इन मालदीव्स हैव ऑलवेज रिलाइड मेनली ऑन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं सिवाय मालदीव के, क्योंकि ये आइलैंड है और बेसिकली ये जो है सी फूड पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो इनके अलावा जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब ज़रात पर डिपेंड करते हैं. दिस इज बिकॉज द लैंड इज फर्टाइल, और उसकी वजह ये है कि यहाँ जो जमीन है इन ममालिक की वो सारी बहुत जरखेज है. एंड रिवर्स प्रोवाइड अबंडेंट वाटर, और ये कि यहाँ पर दरिया जो है वो भी वाफर मिकदार में है, और उसकी वजह से जो पानी है फसलों को पहुंचाने के लिए वो आसानी से दस्तियाब होता है. However, the food resources are now becoming insufficient because of overpopulation. ताहम जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, ज़रात होती है, तरक्की दी जा रही है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो फूड रिसोर्सेज है, खुराक जो है वो बहुत हद तक कम होती जा रही है. उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, आबादी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो फूड रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं. एंड द वाटर अवेलेबल फ्रॉम द रिवर्स इज नो लॉन्गर सफिशियंट, और इसी तरह जो रिवर से, दरियाओं से पानी हासिल किया जा रहा है वो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इरिगेशन के लिए भी चाहिए. ऑल द लैंड नीडेड टू प्रोवाइड फूड एंड वर्क फॉर सो मैनी पीपल, के तमाम जितनी ज़्यादा आबादी हो रही है उतना पानी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, फसलों के लिए भी चाहिए, अपने इस्तेमाल के लिए भी चाहिए, तो दरियाओं में भी पानी की कमी हो रही है. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, किस किस्म की फसलें होती हैं यहाँ पर. द मेन क्रॉप्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट, मेज, शुगर केन, टी एंड ऑयल सीड्स. यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज में, जनूबी एशियाई ममालिक में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें राइस है, चावल, वीट, गंदम, पल्सेस, दालें, मिलेट, बाजरा, मेज, मकई, शुगर केन, गन्ना, टी, चाय एंड ऑयल सीड्स और तेल के बीज वगैरह. सर्टेन क्रॉप सच एज जूट एंड कॉटन, और इसके अलावा कुछ मखसूस किस्म की भी हैं जिनमें जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं, और कॉटन, जो कपास है. आपने देखा होगा वाइट सा फूल होता है एक कपास का, कॉटन का, जबकि जूट जो है वो थोड़ा ब्राउन होता है, उसी की तरह की एक चीज़ है, लेकिन उसका फाइबर जो है वो हार्ड होता है, रफ होता है, और आपने
जूट से जो ये चटाइयाँ मैट या जो ये बोरी वगैरह बनती है, इस किस्म की चीज़ें, रस्सी वगैरह, क्योंकि वो काफ़ी रफ होता है, उससे ये चीज़ें बनती हैं। आर नॉट फूड क्रॉप्स, ये दोनों चीज़ें जूट और कॉटन जो है ये फूड क्रॉप्स नहीं है, मतलब खाने की खुराक में इस्तेमाल नहीं होते, बट आर यूज फॉर अदर पर्पजेज, लेकिन और कई मकासद के लिए यूज होते हैं। राइस एंड जूट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड आर ग्रोन इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल। चावल और जो जूट है, पटसन है, वो उनको उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ये उन इलाकों में उगाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। राइस इज ग्रोन इन ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया वाइल जूट इज ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश ओनली। चावल साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में उगाया जाता है, लेकिन जो जूट है वो सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया में। हाफ ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम बांग्लादेश अलोन। दुनिया बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा जूट की पैदावार होती है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जितना जूट चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, तकरीबन आधी दुनिया को जूट जो है वो बांग्लादेश से प्रोवाइड किया जाता है, इतना ज़्यादा बांग्लादेश में जूट की पैदावार होती है। टी इज ग्रोन मेनली इन साउथ इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। चाय जो है वो ज़्यादातर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में होती है। दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स, और यही तीनों ममालिक चाय के बागात के लिए बहुत मशहूर हैं। टोबैको इज ऑल्सो ग्रोन इन साउथ एशिया, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसी तरह तंबाकू भी उगाया जाता है पाकिस्तान और भारत में खास तौर पर। हाउ एवर वी मे नीड टू रिमेम्बर दैट टोबैको इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लर्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्पेकिंग। तहम हमें ये स्मोकिंग, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टोबैको जो है, तंबाकू नोशी नुकसानदेह है सेहत के लिए, और पूरी दुनिया में ही अब ये जो है लोगों को तालीम दी जा रही है, ये सिखाया जा रहा है कि हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। लेट्स होप दैट वन डे दिस हार्मफुल हैबिट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड देन द फील्ड्स ऑफ टोबैको वुड बी यूज फॉर ग्रोइंग सम अदर यूजफुल क्रॉप्स। अगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएं इस बात को, तो फिर इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी इसकी दोबारा पैदावार नहीं होगी, बल्कि वो जगह जहाँ पर तंबाकू उगाया जाता है वहाँ पर किसी और किस्म की फसल उगाई जाएगी। द मैप ऑन द प्रीवियस पेज शोज द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप्स इन साउथ एशिया। जो मैप आपको यहाँ दिखाया गया है साउथ एशियन रीजन में, इसके ऊपर और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें उगाई जाती हैं उनको दिखाया गया है। आप इसको मैप को देखिएगा और आप देखिए नेपाल में कौन कौन सी फसलें होती हैं, इंडिया में ये मद्रास जो जो इलाके हैं भारत के, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, तो मैप के जरिए आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर का टॉपिक इतना इस वक्त काफ़ी है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं, थर्ड देखते हैं। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं। अभी हमने पेज नंबर 47 पर जो टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ा है, इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, द मेन क्रॉप्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड राइस, वीट, पल्सेज, मिलेट, मेज, शुगर केन, टी एंड ऑयल सीड्स। सर्टन क्रॉप्स सच एज जूट एंड कॉटन आर नॉट फूड क्रॉप्स बट आर यूज फॉर अदर पर्पजेज। ये 3 लाइन्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेन क्रॉप्स यहाँ से शुरू होगा, टाइप्स ऑफ क्रॉप में से, और ये 3 लाइन्स अदर पर्पजेज यहाँ तक लिखेंगे, और इसमें 1 लाइन और ऐड करेंगे हम यहाँ से टोबैको। टोबैको इज ऑल्सो ग्रोन इन साउथ एशिया स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ तक। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा आंसर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और एग्रीकल्चर के टॉपिक से आज के लिए इतना ही। बस ये आपने होमवर्क करना है और याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेसन में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।